क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज अब एक एक से बराबर हो गई है। पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता तो दूसरा मैच भारत ने अपने नाम किया। हालांकि पहला टेस्ट मैच भी टीम इंडिया जीत जाती अगर वो आधा घंटा भारत ने खराब नहीं खेला होता। अब ऐसे में दूसरा टेस्ट मैच जीतने के बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे ने जो कहा, जो ऐलान किया, उसके बाद तो साफ हो गया है कि टेस्ट मैच जीतने के बाद भी तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया बदलने जा रही है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन बड़े बदलाव टीम इंडिया में होंगे और सिडनी के मैदान में टीम पूरी तरह से भारत की बदली हुई नजर आएगी। तो मेलबर्न में जीत के बाद रहाणे ने क्या कहा, कौन कौन तीन बड़े दिग्गज होंगे बाहर और किसकी होगी सिडनी टेस्ट में टीम इंडिया में एंट्री, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस बदलाव को लेकर कमेंट करें और वीडियो को अभी शेयर करें। तो मेलबर्न के मैदान में भारत ने 8 विकेट से प्रचंड जीत हासिल की। कप्तान रहाणे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और भारत ने इस बड़ी जीत के साथ सीरीज को भी 1-1 से बराबर कर लिया है। अब इस मैच में जीत के बाद टीम इंडिया का जोश आसमान पर है। विराट कोहली ने ट्वीट करके टीम इंडिया को बधाई दी है तो वहीं रहाणे की कप्तानी की भी खुलकर तारीफ की है। रहाणे की कप्तानी की हर तरफ तारीफ हो रही है। ऐसे में अजिंक्य रहाणे ने ही मैच के बाद ऐलान कर दिया कि अगले टेस्ट मैच में टीम में बदलाव होंगे और जरूर होंगे और रहाणे ने रोहित का तो नाम तक ले लिया। अब रहाणे के इशारों को समझें तो तीसरे टेस्ट मैच की टीम अभी से ही साफ नजर आती है। रहाणे ने शुभमान गिल की जमकर तारीफ की और कहा कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल कर आया है और जबरदस्त खिलाड़ी है। गिल ने दिखा दिया कि वो क्या कर सकता है। यानी रहाणे के मुताबिक अगला टेस्ट मैच शुभमान गिल जरूर खेलेंगे और साथ ही यहीं पर रहाणे ने रोहित शर्मा का भी नाम लिया। रहाणे ने कहा कि मेरी कल ही रोहित से बात हुई है और रोहित की वापसी को लेकर हम सारे ही लोग एक्साइटेड हैं। रहाणे ने कहा कि रोहित आकर ओपनिंग करेगा, यानी मयंक अग्रवाल टीम से बाहर होंगे क्योंकि दोनों ही पारियों में दूसरे टेस्ट मैच में भी मयंक अग्रवाल फेल हुए थे और शुभमान गिल के साथ रोहित शर्मा इस बार ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर उप कप्तान पुजारा आएंगे तो चौथे नंबर पर कप्तान अजिंक्य रहाणे ही खेलने आएंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं है और दोनों ही टेस्ट मैच के दमदार खिलाड़ी हैं। लेकिन पांचवें नंबर पर एक बार फिर से बदलाव होगा। जी हां, रहाणे ने करीब करीब मैच में खेले सभी खिलाड़ियों की तारीफ की लेकिन दो नाम ऐसे रहे जिनका उन्होंने नाम तक नहीं लिया। मयंक अग्रवाल के साथ साथ वो दूसरे खिलाड़ी थे हनुमा विहारी। जी हां, हनुमा विहारी का भी रहाणे ने नाम नहीं लिया और ऐसे में विहारी अगले मैच में बाहर होने जा रहे हैं और हनुमा विहारी की जगह पर पांचवें नंबर पर केएल राहुल की एंट्री होगी, ये भी तय हो गया है। छठे नंबर पर विकेट कीपर ऋषभ पंत ही खेलेंगे। पंत ने अच्छी खासी बैटिंग की थी और विकेट कीपिंग भी ठीक ठाक की। वैसे भी पंत को टीम मैनेजमेंट ने मैसेज दे दिया है कि अब वो इंग्लैंड दौरे तक के सारे टेस्ट मैच खेलेंगे। सातवें नंबर पर रविंद्र जडेजा ही खेलने आएंगे और जडेजा के ऑलराउंड खेल ने भारत के लिए कहानी बदल दी थी। बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही डिपार्टमेंट में अब जडेजा खासे भरोसेमंद हो गए हैं और चड्डू लगातार कमाल कर रहे हैं। वहीं दूसरे स्पिनर रवि अश्विन की तो रहाणे ने खुलकर तारीफ की है और कहा है कि 10वें ओवर में आकर पहले दिन ही अश्विन ने जो प्रेशर बनाया वही प्रेशर हमें जीत के करीब भी लेकर गया। यानी यहाँ भी कोई बदलाव नहीं होगा, अश्विन भी जरूर खेलेंगे। अब बात करते हैं तेज गेंदबाजों की तो यहाँ बदलाव जरूर होने जा रहा है। जसप्रीत बुमराह खेलेंगे जबकि पहला टेस्ट मैच खेल रहे सिराज ने भी बेहतरीन बॉलिंग की थी और सिराज भी सिडनी में तीसरा टेस्ट मैच जरूर खेलेंगे, उनका खेलना पक्का है। लेकिन उमेश यादव चोटिल हो गए हैं, उमेश की फिटनेस का इंतजार है। ऐसे में बहुत संभव है कि उमेश यादव तीसरा टेस्ट मैच ना खेल पाए। अब वैसे तो टीम इंडिया के पास नवदीप सैनी पहले से मौजूद हैं लेकिन बीसीसीआई ने टी नटराजन को भी टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया में ही रोक दिया था। ऐसे में नटराजन को सैनी से पहले टेस्ट मैच खेलने का मौका मिल सकता है। जी हाँ, बाएं हाथ के नटराजन यहाँ पर टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं क्योंकि उनमें वो एक्स फैक्टर है जो टीम इंडिया को एक बार फिर तीसरा टेस्ट मैच भी जिता सकता है, जबकि सैनी को अभी इंतजार करना पड़ सकता है। तो टीम इंडिया में तीन बदलाव तय हो गए हैं। मयंक अग्रवाल, हनुमा विहारी और उमेश यादव बाहर होंगे जबकि रोहित शर्मा, केएल राहुल और टी नटराजन की टीम में एंट्री होगी, जिसके बाद टीम और भी जबरदस्त नजर आ रही है। तो आपका क्या कहना है, ये बदलाव कितने जरूरी हैं और टीम में इस बदलाव का असर क्या हो सकता है, कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर भी करें।
अब मैच तो शानदार रहा, लेकिन मैच के चौथे दिन सुबह सुबह मैच का जो मजा आया वो पूरी सीरीज में अब तक नहीं दिखा था। शुभमन गिल ने कंगारू गेंदबाजों को धोकर रख दिया। चौथी पारी में T20 के अंदाज में बैटिंग की। साथी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा शुभमन गिल को रोकते रहे, समझाते रहे, लेकिन गिल नहीं माना और भारत को ताबड़तोड़ और तूफानी अंदाज में जीत दिला दी। बड़ी बात यह रही कि जब कप्तान रहाणे पिच पर आए तो फिर रहाणे और गिल दोनों ने ही ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स की बखिया उधेड़ दी। तो आपको दिखाते हैं कैसे चौथे दिन गिल ने की तूफानी बैटिंग कैसे जिताया टीम इंडिया को। आप इस बड़ी जीत पर कमेंट जरूर करें और गिल का अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो चौथे दिन की शुरुआत में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के बाकी बचे 4 विकेट्स को आउट किया। हालांकि इसके लिए टीम इंडिया के बॉलर्स को कुछ वक्त जरूर लगा। कंगारू टीम ने दूसरी पारी में 200 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 70 रन का टारगेट मिला। अब उम्मीद थी कि बिना दबाव के दोनों ही ओपनर्स मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल अच्छी बैटिंग करेंगे और टीम इंडिया को 10 विकेट से जीत दिलाएंगे, लेकिन मयंक अग्रवाल तो डरते डरते उसी तरह बैटिंग करने लगे जैसे पहली पारी में कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ से शुभमन गिल जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरे थे। गिल ने आते ही तूफानी तेवर दिखाए और दूसरे ओवर की पहली बॉल पर पैट कमिंस को जोरदार चौका जड़ दिया और इसके बाद अगला ओवर लेकर आए मिशेल स्टार्क को, तो गिल ने यहां मिड ऑफ की तरफ पंच करते हुए दर्शनीय चौका मार दिया। अब दूसरी तरफ मयंक अग्रवाल रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन शुभमन गिल ताबड़तोड़ चौके जड़े जा रहे थे। इस दौरान मयंक अग्रवाल गिल को भी समझा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे मयंक कह रहे हो कि आराम से खेलो, हमें आराम से जीतना है, कोई जल्दी नहीं है, मगर गिल पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। हाँ, मयंक अग्रवाल जरूर मिशेल स्टार्क का शिकार हो गए और वो भी सिर्फ 5 रन बनाकर मयंक चलते बने। इसके बाद बैटिंग के लिए आए चेतेश्वर पुजारा और पुजारा कैसी बल्लेबाजी करते हैं ये सभी जानते हैं। पुजारा ने आते ही गिल को भी यही समझाया कि आराम से खेलना है, मैच को जीतना है, लेकिन शुभमन गिल कहां मानने वाले थे, गिल का ताबड़तोड़ अंदाज जारी रहा। वहीं दूसरी तरफ अगले ही ओवर में पुजारा भी पैट कमिंस का शिकार हो गए। अब पुजारा के आउट होने के बाद आए कप्तान अजिंक्य रहाणे और रहाणे ने भी आते ही अपने तेवर दिखा दिए, चौका मार दिया और कप्तान का ऐसा रूप देखकर तो शुभमन गिल भी जोश में आ गए। मिशेल स्टार्क की ओवर में गिल ने लगातार 2 चौके मार दिए। पहले दूसरी बॉल पर गिल ने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शानदार चौका मारा, तो इसके बाद गली की तरफ कट करते हुए चौका जड़ दिया। गिल ने 1 ओवर में 2 चौके मारे और इसके बाद पैट कमिंस को अपना शिकार बनाया और पैट कमिंस पर चौके मारे। अब कंगारू कप्तान टीम पेन बॉलिंग चेंज करते हुए हेजलवुड को अटैक पर लाए, तो इस बार अजिंक्य रहाणे ने 2 लगातार चौके मार दिए और दिखा दिया कि अब गिल और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। इसके बाद शुभमन गिल ने भी हेजलवुड को चौका मारा। अब जब कप्तान टीम पेन परेशान होकर पार्ट टाइम बॉलर लाबुशेन को बॉल थमाकर लेकर आए, तो गिल ने वहां भी चौका मार दिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग जारी रखी और कंगारों को चारों खाने चित कर दिया। कोई मौका ही नहीं दिया कंगारों को वापसी का। आलम यह रहा कि भारत ने 70 रन का स्कोर सिर्फ 16वें ओवर में ही हासिल कर लिया और इसमें भी आखिरी 4 ओवर में ताबड़तोड़ 50 के आसपास रन बन गए और वो भी तब जबकि पुजारा और मयंक ने काफी धीमी बैटिंग की थी। अब शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ 35 रन बनाए जिसमें 7 बेहतरीन चौके थे और तूफानी अंदाज में बैटिंग की। गिल ने अपनी इस नॉट आउट पारी से टीम इंडिया में अपनी जगह पूरी तरह से पक्की कर ली है, क्योंकि इससे पहले पहली पारी में भी शुभमन गिल ने 45 रन की ठीक ठाक पारी खेली थी और टीम को अच्छी शुरुआत दी थी। वहीं दूसरी तरफ कप्तान रहाणे ने भी नॉट आउट 27 रन की पारी खेली, जबकि पहली पारी में रहाणे ने शानदार शतक लगाया था और रहाणे को इसीलिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। तो कुल मिलाकर चौथे दिन का खेल शानदार रहा और टीम इंडिया के लिए गिल की अद्भुत पारी को हमेशा के लिए याद किया जाएगा। तो आपका गिल के अंदाज पर, गिल की बैटिंग पर क्या कहना है? क्या शुभमन गिल को काफी पहले मौका मिल जाना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।